छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को छतरपुर जिले के खुजराहो से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्हें कार्रवाई से पहले या उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के 2 थानों में केस दर्ज हैं। रायपुर के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने खुजराहो में बताया कि रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कालीचरण बाबा खुजराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए का कमरा लेकर रुका था। उसने अपने सभी मोबाइल बंद कर रखे थे। कालीचरण महाराज का एक वीडियो सामने आया था जो उसने छतरपुर के पल्लवी गेस्ट हाउस में बनाया था, जिसमें उसने अपने बयानों पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। साथ ही नाथूराम गोडसे की तारीख में कसीदे पड़े थे। इसके बाद रायपुर के टिकरापारा थाने में आईपीसी की धारा 505(2) और 294 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुणे और ठाणे में भी कालीचरण बाबा के खिलाफ ऐसे ही मामलों में केस दर्ज है। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया, वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला उनको।